नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडवोकेट डीपी पांडे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शून्य करणीय विवाह यानी वाइडेबल मैरिज क्या है। दोस्तों, हमारे एक दर्शक हैं, उनके साथ उनकी शादी में फ्रॉड हुआ है, उन्होंने हमसे जानकारी चाही है, तो मुझे लगा कि इसकी क्या प्रक्रिया है, वाइडेबल मैरिज क्या है, तो इसे साझा करूँ, तो उसको मैं आज साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शून्य करणीय विवाह क्या है, वाइडेबल मैरिज क्या है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वाइडेबल मैरिज यानी शून्य करणीय विवाह क्या है, इसके क्या आधार हैं। वीडियो को आप जरा शुरू से अंत तक देखिएगा, अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 में शून्यकरणीय विवाह के बारे में बताया गया है। वाइडेबल मैरिज शून्यकरणीय विवाह से मतलब ऐसे विवाह से होता है जो पति या पत्नी के एक विकल्प पर शून्य हो जाता है, और ऐसी शादी तब तक ही लीगल रहती है जब तक इसे कोर्ट में वाइडेबल घोषित न करा दिया जाए, और इसे वाइडेबल घोषित नहीं कराया जाता तो यह सामान्य विवाह की तरह ही चलता रहता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 में बताया गया है कि कोई विवाह, चाहे वह अधिनियम के शुरुआत होने के बाद या पहले किया गया हो, तो वह किन आधारों पर शून्यकरणीय होगा। दोस्तों, शून्यकरण के चार आधार बताए गए हैं: नपुंसकता, जड़ता, कपट एवं गर्भवती होना। यानी शून्यकरण के चार आधार हैं: नपुंसकता, जड़ता, कपट एवं बलपूर्वक और गर्भवती होना। तो नपुंसकता में क्या है? पति पत्नी के बीच नपुंसकता के कारण विवाहेतर संबंध नहीं हो पाना, पक्षकारों के बीच वेडलॉक का संबंध न बन पाए, तो इस तरह के मैरिज को वाइडेबल मैरिज घोषित कराया जा सकता है। नपुंसकता का मतलब किसी पक्षकार का शारीरिक व मानसिक दशा के कारण संभोग करने में अक्षम होना। नंबर दो, जड़ता। अधिनियम की धारा 5 की शर्तों का उल्लंघन हुआ हो, जड़ता या पागलपन होना, जो एक बीमारी है जो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। वैवाहिक दृष्टि से पागल उस व्यक्ति को समझा जाता है जो वैवाहिक कर्तव्यों, दायित्वों व विवाह के संस्कारों को समझने की क्षमता नहीं रखता। ऐसे में पीड़ित पक्षकार द्वारा विवाह को शून्य कराने के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है या सकती है। तीसरा है, कपट व बलपूर्वक विवाह करवाना। जहाँ कहीं भी माता-पिता की सहमति से बल व कपट के द्वारा, बलपूर्वक व कपट करके शादी कराई गई हो, जिसमें लोग जाति और धर्म को भी छुपाकर शादी करा लेते हैं। देखा यह भी गया है कि बच्चों के माँ वाली या पूर्व में हुई शादी वाली लड़की को भी लोग कुंवारी बताकर शादी करा देते हैं। यदि बाल विवाह हुआ हो या माता-पिता ने जबरदस्ती शादी कर दी हो, तो याचिका दाखिल की जा सकती है। चौथा कारण है, आधार है, गर्भवती होना। यदि किसी महिला को विवाह से पूर्व गर्भवती होना पाया जाता है, तो पति के द्वारा उसे शून्य घोषित कराया जा सकता है, लेकिन तब जब पत्नी के मैरिज से पहले गर्भवती होने के तथ्य को पति को नहीं पता हो, उससे छिपाया गया हो, कपट किया गया हो। लेकिन अगर पति को इस तथ्य के बारे में बताया गया है और वह जानता है, या शादी से पूर्व उसे बताया गया है,
तो इस तरह की मैरिज को वाइडेबल घोषित नहीं कराया जा सकता, शून्यकरणी नहीं कराया जा सकता। इसी तरह यदि पति शादी से पूर्व अपनी पत्नी से स्वेच्छा उसकी मर्जी से संबंध बनाया हो जिससे वह प्रेग्नेंट हो गई हो, तो उसे शून्यकरण घोषित नहीं कराया जा सकता। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की और भी वीडियो हम आपके बीच लाएंगे। इसमें अगर आपको कोई विशेष जानकारी और चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर दे सकूँ। थैंक यू सो मच।